यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में एक छोटा गांव है जिसको नाहवा कहा जाता है। इस गांव की खास बात यह है कि अगर किसी को यहां से दुबई जाकर वापस आना है तो सफर तो सिर्फ एक घंटे का ही है। इसके दौरान चार मरतबा बॉर्डर क्रॉस करना होता है। जी हां, मैप पर देखा जाए तो यह है ओमान और यह है यूएई। अगर इसको जूम करके देखा जाए तो यूएई के ईस्ट में अरेबियन सी के साहिल के करीब यह छोटा सा एरिया असल में ओमान का हिस्सा है जिसको मदहा कहा जाता है। यह पूरी तरह ओमान से कटा हुआ है और चारों तरफ से यूएई है। लेकिन इससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग बात यह है कि मदहा के अंदर भी एक हिस्सा है जो यूएई की टेरिटरी में है, जहां पर यह छोटी विलेज कायम है। यानी अगर किसी को नाहवा से अपनी ही कंट्री यूएई में जाना हो तो पहले वह बॉर्डर क्रॉस करके ओमान में आएगा, उसके बाद ओमान को क्रॉस करके यूएई में, और इसी तरह वापसी में यूएई से ओमान और फिर ओमान से बॉर्डर क्रॉस करके यूएई में। इसके अलावा यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के नॉर्थ में देखा जाए तो यह पूरा पेनिनसुला भी ओमान का ही हिस्सा है जो असल में यूएई के अंदर आता है। अब सवाल यह है कि यूएई के मुकाबले में लगभग 4 times बड़े ओमान की 2 territories यूएई में क्यों मौजूद है और इन टेरिटरी के अंदर यूएई का विलेज क्यों है। लाइव फैक्ट्स के वीडियो में आपका फिर से स्वागत है। ऐसे ही इंटरेस्टिंग और मजेदार फैक्ट्स जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। देखिए, किसी भी कंट्री का हिस्सा जब चारों तरफ से दूसरी कंट्री से सराउंडेड होता है तो उसको एक्सक्लेव कहते हैं। मदहा और नाहवा के केस में यह दोनों ही एक्सक्लेव हैं। मदहा ओमान का जबकि नाहवा यूएई का एक्सक्लेव है। और अब ऐसा नहीं है कि ये एक लौता एक्सक्लेव है, बल्कि पूरी दुनिया में करीब 40 से भी ज्यादा नेशनल लेवल में एक्सक्लेव पाए जाते हैं और हर किसी की ऐसी ही इंटरेस्टिंग कहानी है, वह भी हम इस वीडियो में जानेंगे। लेकिन पहले हम यह जानते हैं कि मदहा और नाहवा के इस कॉम्प्लिकेटेड केस के पीछे कहानी क्या है। 1947 पार्टीशन से पहले इंडिया एक बहुत ही बड़ी कंट्री हुआ करती थी। इसी तरह 1971 से पहले ओमान को भी ग्रेटर ओमान का दर्जा हासिल था। यहाँ अभी यूएई है, वहाँ अलग अलग शेखों के इलाके बटे हुए थे, उनकी अपनी अपनी स्टेट्स थी, लेकिन इसका आपस में कोई खास कनेक्शन नहीं था। पर यहाँ ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन इनको लुक आफ्टर करती थी। ब्रिटिशर्स को यहाँ से जाना पड़ा तो वह चाहते थे कि यह सारी स्टेट मिलकर एक कंट्री की शक्ल बना ले, पर मसला यह था कि यहाँ के शेख की आपस में नहीं बन रही थी। शेखों को अपनी अपनी स्टेट के बॉर्डर्स का ही पता नहीं था। कोई कह रहा था कि फला हिस्सा मेरे कंट्रोल में है, लेकिन वहाँ के लोग किसी और शेख के साथ कमिटेड थे। जब यह बहस सारी एमिरेट्स को जोड़ने के बीच रुकावट बन गई, तब ब्रिटिशर्स ने यहाँ के लोगों को पावर दे दी और यह फैसला लोगों पर छोड़ दिया गया कि उनको किस शेख के पास जाना है। मदहा के लोग ने ओमान के शेख के साथ कमिटमेंट जाहिर की, लिहाजा उनको ओमान का हिस्सा डिक्लेयर कर दिया गया। और इसी तरह मद्रास के अंदर ही 40 घरों के एक छोटे गांव नाहवा ने शारजाह के शेख का साथ देने का फैसला किया। शारजाह उन 7 states में से था जिनको मिलाकर यूनाइटेड अरब एमिरेट्स बना दिया गया, और तभी नाहवा आज भी ओमान के अंदर ही यूएई का हिस्सा है और यही ओमान टेरिटरी यूएई के अंदर आती है। अब उस दौर में ओमान की पोजीशन बहुत ही स्ट्रोंग हुआ करती थी। ओमान की जियोलॉजिकल लोकेशन ऐसी है कि इसको अरेबियन सी का कोस्ट भी लगता है और पर्शियन गल्फ तक पहुंचने के लिए गल्फ ऑफ ओमान का कोस्ट भी। इस पूरी कोस्ट लाइन में सिर्फ यह 75 kilometers का कोस्ट यूएई के पास है। जब वहाँ बंटवारा हो रहा था तो ओमान चाहता था कि यह 75 kilometers की उनकी टेरिटरी में आ जाए, लेकिन ऐसा ना हो सका। इसी वजह से यूएई के नॉर्थ में मुसंदम पेनिनसुला ओमान से अलग हो गया। दुनिया में ऐसे और भी अजीबोगरीब बॉर्डर्स मौजूद हैं, जिनकी कॉम्प्लेक्सिटी हर किसी को सवालात के जंगल में फंसा देती है। आइए अब चलते हैं टर्की की तरफ। वैसे तो यह कंट्री 783,000 square kilometers के एरिया में फैली हुई है, लेकिन इसका एक छोटा सा एक्सक्लेव सीरिया में भी मौजूद है। यह रेक्टेंगल जो आप देख रहे हैं, यह हार्डली सिर्फ 3.5 acres पर फैला हुआ है, लेकिन यह ऑफिशियली टर्की की टेरिटरी है। चारों तरफ सीरिया से सराउंडेड है। ये छोटा सा हिस्सा टर्की के बॉर्डर से सिर्फ 26 kilometers दूर है। पर आखिर इसकी इम्पोर्टेंस क्या है?
यहाँ पर चंद पेड़ों के सिवा ऐसा क्या है जो टर्की ने यहाँ पर अपनी आर्मी भी डिप्लॉय कर रखी है। असल में टर्की की हिस्ट्री में ऑटोमन एम्पायर की बहुत ही इम्पोर्टेंस है, जिसको सल्तनत उस्मानिया भी कहा जाता है। इस एम्पायर को बनाया तो उस्मान ने था, लेकिन इसके पीछे काफी सारी मेहनत उस्मान के दादा यानी सुलेमान शाह की भी थी। ऐसा माना जाता है कि सफर के दौरान सुलेमान शाह यूफ्रेटिस रिवर में डूब गए थे और उनकी मौत हो गई। इसकी वजह से उनको यहीं पर दफना दिया गया था। अब क्योंकि सीरिया में सिविल वार छिड़ चुकी थी और हर गुजरते दिन टर्की को इस डोम की रखवाली करना मुश्किल हो रहा था, इस पर टर्की ने 2015 में एक मिलिट्री ऑपरेशन किया, जिसमें बरसों पहले गुजर जाने वाले सुलेमान शाह की रिमेन को वहां से निकालकर टर्की के बॉर्डर से सिर्फ 180 मीटर दूर दोबारा दफना गया, क्योंकि शायद यहां इस नए मकबरे की रखवाली करना टर्किस के लिए ज्यादा आसान था। लेकिन आज भी सुलेमान शाह की ओरिजिनल रियल साइट टर्की की ऑफिशियल टेरिटरी भी है, और टर्की ने यह खुला ऐलान कर रखा है कि अगर किसी ने भी इस रेक्टेंगल पर हमला किया तो वह टर्की और नाटो कंट्री पर हमला करने के बराबर होगा। अभी तक तो आपने सिर्फ एक या दो एक्सक्लेव के केसेस देखे हैं। अभी आते हैं एक ऐसे बॉर्डर की तरफ जो हिस्ट्री का सबसे ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड बॉर्डर रहा है। हम बात कर रहे हैं इंडिया बांग्लादेश बॉर्डर की। आज भी यह बॉर्डर बांग्लादेश के वेस्ट में बहुत अजीब सा दिखता है, लेकिन 8 साल पहले यह इस तरह दिखता था। इसमें कुछ समझ नहीं आ रहा है कि कौन सा हिस्सा बांग्लादेश का है और कौन सा इंडिया का। अगर नंबर्स की बात की जाए तो बांग्लादेश में टोटल 102 इंडियंस एक्सक्लेव, जबकि इसके अंदर 21 बांग्लादेशी एक्सक्लेव्स पाए जाते थे, जिनमें सबसे फेमस और दुनिया का सबसे अलग थर्ड ऑर्डर इनक्लेव डाला घाघरा बाड़ी के नाम से जाना जाता है। यह छोटा सा फॉर्म जो आप देख रहे हैं, यह इंडिया का एक्सक्लेव बांग्लादेश में मौजूद है। यह बांग्लादेशी टेरिटरी भी असल में इंडिया के अंदर इनक्लेव है, और यह इंडियन टेरिटरी खुद इंडिया से कटी हुई है और बांग्लादेश के इनक्लेव है। अगर इसको आसानी में समझा जाए तो फर्क कर ले, यह ग्रीन कलर बांग्लादेश है, उसके अंदर यह ऑरेंज सर्कल इंडिया टेरिटरी है, और उसके अंदर यह ग्रीन सर्कल दोबारा से बांग्लादेशी इनक्लेव है, और इसके भी अंदर यह ऑरेंज सर्कल दोबारा से इंडिया की टेरिटरी है, जिसमें लिटरली सिर्फ एक आधा एकड़ का यह छोटा फार्म लैंड हुआ करता था। अगर अभी भी आपको समझ नहीं आया तो आप अकेले नहीं हैं। बांग्लादेश और इंडिया सरकार को भी यह मामला इतना कॉम्प्लिकेटेड लग रहा था कि उन्होंने आपस में एग्रीमेंट करके इस मुश्किल को आसान बनाने के लिए इनक्लेव और एक्सक्लेव एक दूसरे से एक्सचेंज कर लिए। 2015 में इंडिया को 51 बांग्लादेशी इनक्लेव मिले, जबकि बांग्लादेश को 111 इंडियन इनक्लेव मिले। लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट के बाद कुल मिलाकर इंडिया ने 40 स्क्वायर किलोमीटर की जमीन बांग्लादेश को दे दी। यहाँ रहने वाले लोग को चॉइस दी गई कि अगर उनका यही रहना है तो उनकी मर्जी है, वरना वह अपने पसंद की कंट्री को चूज कर सकते हैं। तमाम इनक्लेव और एक्सक्लेव को एक्सचेंज करने के बाद भी आज एक इंडियन इनक्लेव अभी भी मौजूद है। डहाग्राम के नाम से पहचाने जाने वाला यह हिस्सा असल में तो बांग्लादेशी टेरिटरी है, लेकिन इसके चारों तरफ इंडिया मौजूद है। अगर आप इसके ईस्ट में देखेंगे तो हैरान तौर से यह बांग्लादेश से सिर्फ 180 मीटर दूर है। यह बीच का 180 मीटर पैच इंडिया टेरिटरी है। अगर डायग्राम के इस रोड से वॉक करके कोई अपनी ही कंट्री बांग्लादेश जाए और फिर वापस आए तो 4 मिनट के अंदर अंदर उसको 4 मरतबा बॉर्डर्स क्रॉस करना पड़ेगा। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। जल्दी मिलते हैं ऐसी एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक इस वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए दिल से धन्यवाद।